हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो पिछली वीडियो में हमने वो छोटू मंकी की कहानी सुनी थी, राइट? तो हमें पता चला था कि कोई भी चीज मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैलेंसिंग यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है? अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट समझ गया आई थिंक आप लोग। सो अब आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हाउ मच कैन सिमरन कैरी, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस तो ये तो हमने कर लिया था ऑलरेडी और ये आपको खुद को सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो चलिए, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सिमरन कितना कैरी कर सकती है। तो ये है सिमरन, ये है उसके पापा। सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। तो ये क्या है, एक उनका स्टोर रूम है, ये सिमरन के घर का एक स्टोर रूम है। अब सिमरन के पापा चाहते हैं कि वो कुछ चीजें स्टोर रूम से उठाकर किचन में रखें, मतलब कि उनको कुछ चीजें ऐसे चाहिए होंगी जो उनको किचन में रखनी है, राइट? तो सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर, सिमरन को अपने फादर की हेल्प करनी है, राइट? अब सिमरन तो छोटी बच्ची है तो वो अब इतने बड़े बड़े बर्तन तो उठाएगी नहीं जिसमें काफी सारी चीजें हों, गेहूं हो या फिर कोई और चीज हो भारी वाली, तो सिमरन छोटी है वो नहीं उठा पाएगी, राइट? वो बच्ची है लेकिन वो ऐसी छोटी छोटी चीजें उठा सकती हैं, राइट? तो आपको, आप अच्छे से देख लो इसमें कि यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे यहाँ पे बिस्किट के बॉक्सेस पड़े हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत मुझे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इतना लाइट लाइट लिखा है इसमें कि समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल चलो वी कैन ट्राई। यहाँ पे 2 kg शुगर पड़ी है, 2 kg दाल है, 1 kg घी है, 2 kg कुकिंग ऑयल है, 5 kg आटा है, 5 kg राइस है। तो ये जो राइस है 5 kg, मे बी ये भी लड़की नहीं उठा सकती, ये गर्ल नहीं उठा सकती, कोई भी बच्चा छोटा होगा तो वो नहीं उठा सकता इतना भारी भारी। लेकिन वो इतना 1 kg या फिर यहाँ पे 1 kg घी है या फिर ये बॉक्स है, बिस्किट्स हैं, ये सब उठा सकते हैं, राइट? ये हल्की हल्की चीजें वो आराम से उठा सकते हैं। तो उस पिक्चर के बेसिस पे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? नाउ गैस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी। अब हमें गैस करना है कि कौन से बैग्स सिमरन उठा सकती है। गैस हु कैन कैरी व्हाट। अब हमने गैस तो कर लिया कि सिमरन कौन सी चीज उठा सकती है। 1 kg सॉल्ट, 1 kg घी, ये सब चीजें सिमरन उठा सकती है, या फिर बिस्किट के बॉक्सेस, मैगी बॉक्स, ठीक है, मैगी नूडल्स, ये सब उठा सकती है सिमरन। अब हमें गैस करना है कि कौन कौन सी चीज उठा सकता है। अब यहाँ पे बताना है कि हर फादर, उसके पापा क्या उठा सकते हैं वो बताना है। तो हम ले लेते हैं, उसमें पिक्चर में था 5 kg आटा, तो 5 kg आटा लिख देते हैं यहाँ पे, राइट? अब लिखा है यहाँ पे हर मदर, उसकी मम्मी कितना उठा सकती है, तो मम्मीज भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो मम्मी के लिए भी हम लोग लिख देते हैं 5 kg राइस उठा सकती है मम्मी, राइट? मम्मी भी स्ट्रांग होती है भाई, पापा तो उठा ही सकते हैं, मम्मी भी उठा सकती है। चलिए, हर यंगर सिस्टर, उसकी कोई जो बड़ी बहन होगी, सॉरी यहाँ पे यंगर सिस्टर बोला है तो इट मींस उसकी जो छोटी, सिमरन से भी जो छोटी बहन होगी वो क्या उठाएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे बिस्किट्स लिख देते हैं कि वो बिस्किट्स उठा सकती है। सिमरन से भी छोटी है ना, इतनी छोटी है तो बिस्किट ही उठा सकती है। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैन सिमरन कैरी एनी टू ऑफ दीज बैग्स टूगेदर। अब यहां पे बोला है कि दो चीजें, दो बैग्स, वो कोई दो बैग्स एक साथ उठा सकती है, तो हाँ वो दो बैग उठा सकती है। इफ येस विच वंस, अगर हाँ तो कौन सी चीज उठा सकती है, तो यहां पे लिख देते हैं गुड्डे बिस्किट, गुड्डे बिस्किट और नूडल्स, ठीक है। यहाँ पे एक नूडल्स का भी पैकेट, आई कैन सी यहाँ पे नूडल्स का पैकेट है, तो दो चीजें वो ये एक साथ उठा सकती है, राइट? ये तो नॉर्मल वेट होता है। नाउ विच बैग्स कैन यू कैरी, यस। अब ये बताओ कि आप लोग कौन सी चीज उठा सकते हो भाई। कुछ स्ट्रांग बच्चे होंगे, मतलब कि जिनकी बॉडी वॉडी काफी अच्छी होगी, तो वो 2 kg भी उठा सकते हैं, राइट? 2 kg शुगर उठा सकते हैं जो स्ट्रांग होंगे, वही। हाँ, जो नहीं उठा सकते वो मत उठाना, वरना फिर कमर में लचक पड़ जाएगी। तो कुछ बच्चे 1 kg सॉल्ट उठा सकते हैं। आपके लिए ये है, आप आंसर तो वैसे आपको ही देना है, बट मैं फिर भी लिख रही हूं, ठीक है? तो 1 kg सॉल्ट या फिर कह लो और लिख देती हूँ, और
2 kg शुगर ये उठा सकते हैं और बिस्किट के पैकेट्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये चींटी बनी हुई है काले रंग की, ऐसे झुमके उमके पहने ऐसे सज के आई है एकदम, है ना, अच्छी है। चलो, आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ, तो ये चींटी तो बड़ी ताकतवर है भाई। ये क्या बोली कि मैं शुगर का एक दाना उठा सकती हूं जो मुझसे भी बड़ा हो। अरे वाह, बड़ी ताकतवर है। चलिए, मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं, हमें मैच करना है। मतलब यहाँ पे एक क्रो दिया है, यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे डोंकी है, यहाँ पे डॉग है, और यहाँ पे कुछ कमोडिटीज दी हैं, तो हमें मैच करना है कि इसमें से ये जानवर जो हैं, एनिमल्स हैं, वो इसमें से कौन सी चीज को उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रो दिया है, तो क्रो तो लीफ ही उठा सकता है, राइट, लीफ यानी कि पत्ता। यहां पे दिया है एलिफेंट, तो एलिफेंट लकड़ियां उठा सकता है, ठीक है, वुड। यहां पे दिया है डोंकी, तो डोंकी जो है वो बेसिकली ये ऐसे पैकेट्स शुगर के बड़े बड़े थैले और वो सब कैरी करके लेके जाते हैं ना डोंकी पे, तो वो ये तो आराम से उठा सकता है। और ये जो डॉग है ये बॉल उठा सकता है, राइट, डॉगी तो बॉल से खेलता है ना, हमें पता ही है। ठीक है, तो यहां पर टेक्स्ट बुक में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पेज नंबर 23 तक, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नोटबुक में एक्सरसाइज। थैंक यू।